हेलो एवरीवन, बेटा आज हम बात करेंगे कि टी रेशो जो आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे उनकी जो वैल्यूज़ है वो ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं। देखिए, अब जो पेपर है बोर्ड का वो दो पैटर्न में आता है, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो इट मे बी स्टैंडर्ड वाले पेपर में इस तरह के क्वेश्चन वो पुटअप कर सकता है। जैसे अपने पास सबसे फर्स्ट में बात कर रहे हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो हमें पता है वैल्यू हमारे पास किस किस की होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वैल्यू हमने पिछली वीडियो में आपको अपलोड कर रखी है, उस पर क्वेश्चन बन के आता है बेटा। अब ज्योमेट्रिकली हम कैसे निकालते हैं, हमने वहाँ टेबल बनाया था, टेबल से आपको एक्सप्लेन किया था, ज्योमेट्रिकली हम इन्हें कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन, चलो 60 डिग्री की बात कर लेते हैं। ये साइन 60 आ जाएगा बेटा, कॉस भी आ जाएगा, टेन भी आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो क्या करना है आपको, एक ट्रायंगल बनाना है जो इक्विलेटर ट्रायंगल होना चाहिए। कैसा ट्रायंगल हो बेटा, इक्विलेटर ट्रायंगल। अब इक्विलेटर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी ऑल साइड इक्वल होती है। अब ऑल साइड इक्वल होती है तो हमने मान लिया सर साइड 2a है, आप a भी मान सकते हो, मैंने 2a कर दिया इसको, कैलकुलेशन सिंपल रहे इसलिए मैंने 2a किया है। आप a ले सकते हो, x ले सकते हो, z ले सकते हो, राइट। और दूसरा क्या पता है सर, साइड इक्वल है, और ये भी पता है ऑल इक्वल एंगल्स जो है ऑल वो इक्वल होते हैं। कितना डिग्री होते हैं सर, 60 डिग्री, ये पता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पता होना चाहिए कि अगर इसमें सर किसी भी वर्टेक्स से, किसी वर्टेक्स से यहाँ से मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो परपेंडिकुलर ये इस साइड को यानी कि इसके सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, यानी कि ये पूरा 2a लेंथ है तो ये क्या होगी a लेंथ, और ये भी क्या होगी a लेंथ, ये ध्यान रखना है। और क्या है प्रॉपर्टी बेटा, ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने वर्टेक्स से तो ये जो एंगल होता है ना ये इस एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये सब कुछ है ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर आप देखेंगे, इक्वल पार्ट डिवाइड करेगा, यानी कि ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अब हम निकालते हैं सर साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ठीक है। अब देखो, ये आपके पास एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, राइट ट्रायंगल, देखो दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, उसमें से मैं ये कंसीडर कोई भी राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, हम ये राइट ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। इस राइट ट्रायंगल की एक साइड हमें पता है ये बी डी, ये बी डी हमें पता है 2 है, ए है सॉरी, और ये जो इसका बी सी जो साइड है ये पता है 2 ए है, और हमें पता है ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये हुआ ये अपना बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब हम ये जो साइड है इसकी सी डी ये पाइथागोरस से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा बेटा, सी डी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर यानी कि 2 ए का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट मीन्स 3 ए स्क्वायर आ गया सी डी स्क्वायर। देयर फॉर सी डी की जो वैल्यू आएगी वो बेटा आएगा रूट 3 ऑफ ए, ये वैल्यू आपको निकलेगी। बस इतना कर लिया, अब आपके पास वैल्यू निकल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं साइन 60 डिग्री की, तो बेटा साइन 60 जो बनता है वो हमें बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक की जो साइड है उसमें और टी रेशियो में क्या रिलेशन है, वो होता है साइन हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर देखिए इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल जो मैंने शेड कर रखा है, परपेंडिकुलर क्या होगा सर, 60 डिग्री एंगल ये लिया है हमने ना, तो 60 के अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है जिससे 60 बन रहा है उन साइड को छोड़ दो, ये साइड बचेगी ये वाली, यानी कि इसका नाम होगा सी डी। अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है 90, अपोजिट वर्ड का मतलब है जिनमें एंगल बन रहा है उन दोनों को छोड़ दो, सामने वाला दिखाई दे रहा है क्या आ जाएगा बी सी। अब इनकी वैल्यू देखो बेटा, सी डी की वैल्यू कितनी है रूट 3 ए, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी कितना है सर ट्वाइस ऑफ ए, ए से ए कैंसिल हो गया, तो आप देख पाएंगे कि साइन 60 की वैल्यू आप टेबल से भी देखना कितना आ रहा होगा रूट 3 बाई 2। ऐसे हम कॉस भी निकाल सकते हैं, सेक 10, जो भी वैल्यूज हैं 60 डिग्री सारी निकाल सकते हैं, क्लियर है बेटा। अब आगे बात करते हैं कि ये होगा 60 डिग्री, फिर बात करते हैं 30 डिग्री कैसे निकालेंगे। तो इसी ट्रायंगल से निकल जाएगा, देखो इसी को हम दोबारा बता रहे हैं, अच्छे समझेंगे। बस इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बिल्कुल सर, ये ए बी सी है, इसकी ऑल साइड इक्वल होती है बिल्कुल सर, हमने क्या मान लिया बेटा 2a मान लिया, कैलकुलेशन के लिए इजी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। फिर हमें पता है ये एंगल 60 डिग्री होगा, ईच एंगल 60 डिग्री हो गया। फिर मैंने कहा था कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये अपने पास हो गया डी।
अभी बताया था हमने ये डी हो गया, ठीक है, ये लेंथ आपके पास ए हो गया सर, ये लेंथ ए हो गया भाई, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये एंगल जो है ना वो क्या बन जाएगा 30, और ये भी क्या बन जाएगा 30, और ये सारे एंगल कितने हैं बेटा 60 है, और ये पूरा 60 था, है ना, ये बाइसेक्ट कर देता है इसको, और ये हो गया पास 90 डिग्री। क्लियर है? अब हम इसको शेड कर रहे हैं, देखो बेटा इस कोई भी राइट ट्रायंगल ले सकते हो, मैं राइट वाला ले रहा हूँ, राइट साइड वाला, ये वाला, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था ये आपके पास ए बी ए है, ये ट्वाइस ऑफ ए है, तो पाइथागोरस से हम क्या निकाल लेंगे सी डी, मतलब अपने पास बी डी की जो वैल्यू है वो तो ए है, और बी सी की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ ए है, और अभी निकाला था मैंने पाइथागोरस से हम सी डी निकाल लेंगे, और सी डी आया रूट थ्री ऑफ ए आया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, साइन 30 डिग्री। बेटा ऐसे साइन भी कॉस भी टेन भी किसी की बात कर सकते हो, साइन 30 देखो, साइन 30 हमने बताया साइन में टी रेशो, साइन जो टी रेशो उसमें और राइट एंगल की साइड में रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब देखिए थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये आपका थीटा है यानी कि 30 डिग्री। तो मैंने कहा था परपेंडिकुलर हमेशा जो आपका यहाँ एंगल होता है ना, यहाँ क्यूट एंगल होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो वो उसके अपोजिट साइड देखो आप, इसके अपोजिट का मतलब इन दोनों साइड को छोड़ दो, इसके सामने क्या दिखाई देगी बी डी, ये ध्यान रखना बेटा, अपॉन ये 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज ये 90 ये रहा, इसके सामने क्या बन रहा है ये साइड बन रही है अपने पास बी सी, ये रहा। तो परपेंडिकुलर यानी बी डी, बी डी की वैल्यू कितनी बेटा ए है, बी सी, बी सी वैल्यू क्या है ट्वाइस ऑफ ए है, ए से ए कैंसिल हो गया, कितना आया 1/2। तो आप देखेंगे साइन 30 की वैल्यू टेबल में देखना 1/2 आए, क्लियर है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम किसकी, 30 हो गया, 60 हो गया, 45 के लिए क्या करना है आपको, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बनाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे राइट ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, क्लियर है। चलिए ये हमने बनाया, ये एक राइट ट्रायंगल है, ध्यान रखना आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बनाना है, ये 90 है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये 90 डिग्री है। मैंने क्या बोला, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो। अब हाइपोटेन्यूज इक्वल हो नहीं सकता, हाइपोटेन्यूज तो ग्रेटेस्ट साइड होती है, इसका मतलब ये वाली साइड इक्वल है, इसको मैंने ए सपोज कर लिया, इसको भी ए सपोज कर लिया, टू ए टू ए भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। अब इससे पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल लेंगे, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा रूट ट्वाइस ऑफ ए बन जाएगा पाइथागोरस यूज करते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ ये 90 है, अब हमें पता है ये दो साइड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये थीटा, अभी कितने कितने होंगे बेटा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, थीटा प्लस 90, तो ये हमें पता लग गया 2θ = 180 और ये -90, यानी कितना होगा 90 2θ, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, यानी ये एंगल जो है 45 डिग्री है, ये भी और ये वाले भी 45 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं साइन 45, अभी बताया था बेटा ऐसे कॉस भी निकाल सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं। साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर देखो ये थीटा 45 है, ये परपेंडिकुलर बन गया सर ए सी, ये 90 के सामने देखो ये बी सी, ए सी की वैल्यू देखो कितनी बेटा, ए सी की वैल्यू कितनी ए, बी सी वैल्यू कितनी है रूट टू ए, ए से ए कैंसिल हो गया, कितना आया 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो आ गई 1/√2। ऐसे हम कॉस टेन sec सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर है बेटा। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक वैल्यू जो है 0 डिग्री रह गया और 90 डिग्री रह गया, तो एग्जाम में यही वैल्यू पूछता है 30, 45, 60, ठीक है। 0 और 90 को आप किस तरह समझ सकते हो, बाकी इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से भी समझ सकते हो, बट इसी फिगर से हम इसे किस तरह समझ पाते हैं, देखिए बेटा यहाँ आपने क्या करना है, एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये आपके पास हो गया 90 डिग्री, ये मेरे पास हो गया ए बी और ये हो गया सी, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है। अब क्या निकालना है आपको, माना साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये लेंथ ए बी, सपोज करो ए बी लेंथ ए है और ये बी लेंथ मान लिया मैंने, इसको क्या लेंथ मान लिया सी, अपने हिसाब से मानो बेटा, कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू आर मान लीजिए, तो यहाँ ए बी सी के दिमाग में रहे हैं नहीं, ये लो इस लेंथ को मैंने पी मान लिया है, इसको क्यू लेट कर लिया है, इसको मैंने आर लेट कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है साइन 0 निकालना है, ऐसे साइन 0, कॉस 0, टेन 0, जैसे साइन 0 निकालने से पहले देखो साइन थीटा निकालते हैं बेटा, ये आपका एंगल थीटा हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा 90 के सामने, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास बेटा आ गई परपेंडिकुलर हो गया क्यू, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आर, क्यू बाई आर आ गया। अब हम चाहते हैं कि थीटा जो है वो 0 डिग्री बन जाए, अब इसे ध्यान से सुनो बेटा,
थीटा जीरो कब बन सकता है, यानी ये जो थीटा है ना, ये तो कोई भी एंगल, ये कोई लाइन है, है ना, इस तरह से ये लाइन इसके ऊपर रहती है तो जीरो डिग्री, और जीरो इस तरह तो भैया ये लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन भी है, तो ऐसे उठाया तो एंगल बनता है, और ये इसके ऊपर आ जाए, इसका मतलब थीटा जीरो का मतलब ये वाली जो लाइन है वो इसके ऊपर आ जानी चाहिए यहाँ पर। जैसे ही ये लाइन इसके ऊपर आएगी, यहाँ ध्यान देना बेटा, ये वाली लाइन इसके ऊपर आ गई, ये वाली इसके ऊपर, तो ये पोजीशन क्या होगी, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा ये वाली लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पोजीशन में आपका ये वाली जो साइड है, ये वाली हाइट ठीक है ये, और इसमें देखो रिलेशन क्या आएगा, ये वाली लाइन इसके ऊपर आ गई, यहाँ आ गई, सपोज करो ये हमारे, सपोज करो हमारा आर आ गया, आर आने से ये जो पॉइंट है वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसकी जो हाइट है वो हाइट, ये क्यू जो है वो क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, जीरो बन जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर जो बनेगा वो जीरो बनेगा, और ये जो था आपका आर आएगा, जीरो बाई आर कितना होगा जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, जीरो बन जाएगी, समझ पा रहे हो। अब आप कहें कि सर साइन जीरो जीरो, अब ऐसे ही अगर आप टेन जीरो निकालना चाहें तो वो भी बेटे ऐसे निकलेगा, क्या आएगा टेन जीरो, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पंडित बदी प्रसाद से देखिए पी बाई पी होता है। अब देखो यहाँ पी मतलब परपेंडिकुलर, वही पोजिशन है कि आपके पास परपेंडिकुलर कितना था पहले, पहले परपेंडिकुलर हमारे पास था बेटा क्यू, बेस हमारे पास ये था पी था। अब यहाँ देखिए अगर ये जीरो बनेगा, यानी कि टेन जीरो, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये सी वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, सी वाला पॉइंट आने में इसकी हाइट कुछ नहीं बनेगी, परपेंडिकुलर कुछ नहीं होगा, क्या बन जाएगा जीरो बनेगा ये, और जीरो बाई क्या बनेगा पी, दैट इक्वल टू जीरो, तो टेन जीरो भी जीरो आ जाएगा।